जो माफिया से हथियारों का सप्लायर बन गया, विदेशी मीडिया उसका कर रही है गुणगान। जिसने भारत में रहते पाकिस्तान से खरीदे हथियार, उसके समर्थन में मुहिम चला रहा है एजेंडा गैंग। जिसने कईयों के घर उजाड़ दिए, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, उसे समर्थन दे रहे हैं मुस्लिम नेता। बीबीसी, रॉयटर्स और अल जजीरा ने गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या पर किया दुष्प्रचार। भारत में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लैंड जिहाद कर मुस्लिम बस्तियां बसाने का षड्यंत्र रच रहे माफिया अतीक अहमद के नाम पर देश विदेश में एजेंडा चलाकर उसे रॉबिनहुड बताने की साजिश का आज खुलासा किया जा रहा है। ये साजिशें हैं तत्कालीन सरकारों को बदनाम करने की। ये षड्यंत्र है एक हत्यारे, लैंड जिहादी और देशद्रोह जैसे अपराध में शामिल माफिया को रॉबिनहुड बताने का। यहाँ हम सबसे पहले जिक्र करेंगे UPSTF द्वारा किए गए नए खुलासे का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF के ADG IPS अमिताभ यश ने अतीक अहमद के एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया है। STF के अनुसार अतीक अहमद प्रयागराज के एक विशेष इलाके की डेमोग्राफी बदलने के प्लान पर काम कर रहा था। अतीक अहमद प्रयागराज के कमजोर लोगों की जमीन हड़प कर उन पर मुस्लिम बस्तियां बसाने की तैयारी में लगा था। अतीक अहमद की साजिश माइनॉरिटी कॉलोनी बसाने की थी, जो कोई और आपराधिक गैंग सोच भी नहीं सकता। ये कॉलोनी बसाने के लिए प्रयागराज शहर में करेली इलाके के पास एक गांव को चुना गया था। इसके लिए गरीब और कमजोर लोगों की जमीनों पर बलपूर्वक कब्जा अतीक गैंग द्वारा किया गया था। खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद और उसका परिवार राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस मिशन पर काम कर रहा था। अतीक गैंग चुनावों में वोटों के साथ साथ अपना दबदबा बढ़ाने के इरादे से ये सब कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम कॉलोनी बसाने की साजिश के पीछे अतीक द्वारा अपनी सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की सोच भी थी। अतीक की गैंग से जुड़े लोग और उसके शूटर भी इस माइनॉरिटी टाउनशिप में बसने वाले थे। पिछले दिनों अतीक अहमद पर जो खुलासे हुए हैं, उसमें कहा गया था कि अतीक अहमद ने ये स्वीकार किया था कि उसके दाऊद और ISI से संबंध थे। उसके लिए पंजाब बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान से हथियार आते थे, जिन्हें वो आगे सप्लाई करता था। यानी ये साफ है कि जिसे लोग माफिया और जेल में बंद अपराधी मानते थे, वो जेल के अंदर से ही पाकिस्तानी हथियारों का सौदागर और सप्लायर बन गया था। अब ऐसे में अगर देश विरोधी हरकतों में शामिल होने वाले अतीक अहमद जैसे अपराधी को रॉबिनहुड बताया जाएगा, तो इसे एजेंडा गैंग का षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या कहा जाए। BBC की पत्रकार गीता पांडे ने लेख में लिखते हुए ट्वीट किया, अतीक अहमद रॉबिनहुड एंड डॉन जैकल और मिस्टर हाइड टाइप का चरित्र था, जिसने गरीब लोगों की मदद की, शादियों और स्कूल की वर्दी के लिए भुगतान किया, ईद के दौरान पैसे दिए, लेकिन जघन्य अपराधों के बढ़ते आरोपों के साथ ये व्यक्तित्व उजागर हुआ। वहीं रॉयटर्स ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व भारतीय सांसद की पुलिस हिरासत में TV पर लाइव हत्या, राज्य ने सभाओं पर प्रतिबंध लगाया। इसमें जबरदस्ती ये लाइन घुसेड़ कर लिखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के हथियारों की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह अल जजीरा ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट में कहा, तीनों संदिग्धों ने शूटिंग के बाद जल्दी से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से कम एक ने जय श्री राम या भगवान राम की जय हो नारा लगाया, जो मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध का नारा बन गया है। ऐसे ही वॉशिंगटन पोस्ट ने अतीक अहमद की हत्या पर खबर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश 2017 से भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। तब से वहां तथाकथित अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, जो अधिकार समूहों का कहना है कि अक्सर न्यायतर हत्याएं होती हैं। कई एजेंडाधारी पोर्टल तो हिंदू गीतों और नारों को मुस्लिम हेट म्यूजिक भी लिख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई विदेशी मीडिया प्रकाशन भारत के बारे में झूठ फैलाने में व्यस्त है। इन पोर्टल्स में काम करने वाले पत्रकार भारत में बैठकर अपने ही देश के खिलाफ जहर फैलाते हैं, अपनी ही सरकार को नीचा दिखाते हैं और कानूनी व्यवस्था को कोसते हैं। हर बार उनके लिए सबसे आसान निशाना हिंदू होते हैं। अब ऐसे में जब अतीक अहमद जैसे ISI कनेक्शन वालों का इसी तरह से महिमा मंडन होता रहेगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही होंगी।